रंजापुर नाम के गांव में सोनिका नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनिका शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए उसके पिताजी उसके लिए लड़का देख रहे थे। एक दिन उसके पिता घर आकर कहते हैं, बेटी सोनिका, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कल तैयार रहना। लड़का इंजीनियर है और बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेगा। मैंने उन्हें हाँ कह दिया है, लेकिन फिर भी वो एक बार तुझे देखना चाहते हैं। लेकिन पिताजी, आपने मेरी शादी मुझसे पूछे बिना तय कर दी। मैं राहुल नाम के लड़के से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी भी करूँगी। तूने तो मेरी नाक कटवा दी। मैं तो समझता था कि मेरी बेटी मेरे पसंद किए हुए लड़के से शादी करेगी। निकल जा मेरे घर से, आज के बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सोनिका अपना सूटकेस पैक करके राहुल के पास पहुंच जाती है और दोनों शादी करके एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। राहुल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था और दिन के 100 रुपए कमाता था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद सोनिका गर्भवती हो जाती है। सोनिका, तुमने तो मुझे आज सबसे बड़ी खुशी दी है, अब तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा। मैं कल ही मालिक से बात करके शहर की कंस्ट्रक्शन साइट में ट्रांसफर करवा लेता हूँ, वहाँ मुझे दिन के 200 रुपए मिलेंगे। हाँ ठीक है राहुल, शाम को आते समय मेरे लिए तुम जलेबी, समोसे, कचौरी ले आना। राहुल अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है और अपने ठेकेदार से कहकर शहर की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना ट्रांसफर करवा लेता है। राहुल शहर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में कार से राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। सोनिका भी वहां पहुंच जाती है, तभी डॉक्टर कहती है, सुनो, इनका जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये कुछ दवाइयां और बिल काउंटर पर भर दीजिए, अगले 1 घंटे में हम इनका ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सोनिका के पास अपने पति का इलाज करवाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने कान के झुमके गिरवी रखकर अपने पति का इलाज करवाती है। ऑपरेशन होने के बाद राहुल बच जाता है, लेकिन वो अपाहिज हो जाता है। सोनिका, अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा और काम पर भी नहीं जा पाऊंगा, ऊपर से तुम गर्भवती हो, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो राहुल, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी, मैं कल ही कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूंगी। सोनिका कई जगह पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों ने कुछ नहीं खाया था। मजबूर होकर सोनिका अपने पिताजी के पास पहुंच जाती है। पिताजी, राहुल का एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से वो चल नहीं पा रहे, घर में एक चावल का दाना नहीं है, प्लीज मेरी मदद करिए। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तेरा हमसे रिश्ता खत्म, तूने अपनी मर्जी से शादी की है, अब तू ही भुगत। सुनिए, वो गर्भ से है, अब तो जिद छोड़ दीजिए, ये तो हमारी एक ही संतान है ना। भाग्यवान, तुम इसकी तरफदारी करना बंद करो, वरना तुम्हें भी इसके साथ भेज दूंगा। अपने पति के डर से सोनिका की माँ चुप हो जाती है। सोनिका रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे थकान महसूस होती है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और भूख की वजह से रोने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तू मुझे ये दिन दिखा रहा है। सोनिका जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो एक जादुई पेड़ था जो मजबूर लोगों की मदद करता था। जादुई पेड़ सोनिका की रोने की आवाज सुन लेता है। बेटी, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सोनिका जादुई पेड़ को अपनी आपबीती बता देती है और रोने लगती है। चिंता मत कर बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा।
इतना कहकर जादुई पेड़ सोनी का कोई एक जादुई कढ़ाई से बना घर देता है और कहता है, बेटी ये एक जादुई कढ़ाई का घर है। इस कढ़ाई के घर में तुम्हें अपनी सुख सुविधा की सारी चीजें मिलेंगी और इस बड़ी कढ़ाई में रोज 1000 प्लेट बिरयानी भी पकेगी, जिसे बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो और अपने पति का अच्छे से इलाज करवा के खुशी से रह सकती हो। और हाँ बेटी, जब भी कोई गरीब आए तो उसे तुम मुफ्त में मदद करना। ये सुनकर सोनी का बहुत खुश होती है। जादुई पेड़ कढ़ाई घर को छोटा कर देता है। सोनिका उसे लेकर अपने पति के पास चली जाती है। सोनिका उस जादुई कढ़ाई के घर को अपनी झोपड़ी के बगल में रख देती है। वो कढ़ाई का घर विशाल रूप धारण कर लेता है और उसमें गर्मा गर्म 1000 प्लेट बिरयानी तैयार हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। बिरयानी की खुशबू सुनकर सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बिरयानी खरीद कर खाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सोनिका के कढ़ाई घर की बिरयानी सभी इलाकों में मशहूर हो जाती है। वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अच्छे से अपने पति का इलाज करवाती है। राहुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर दोनों मिलकर जादुई कढ़ाई घर को चलाने लगते हैं। दोनों दिन में 500 प्लेट बिरयानी बेचते और 500 प्लेट बिरयानी बहुत सारे गरीब लोगों को मुफ्त में बांटते थे। इस तरह सोनिका और राहुल की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ महीनों बाद सोनिका एक बेटी को जन्म देती है। नाती के जन्म से सोनिका के पिताजी भी सोनिका को माफ कर देते हैं। फिर सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। चंपा और चमेली नाम की दो जुड़वा बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और एक पुराने झोपड़े में रहते थे। दोनों बहनें रोज मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी। इसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। फिर एक दिन दोनों बहनें जंगल के रास्ते शहर जा रही थी, तभी अचानक एक शेर उन पर हमला कर देता है। शेर से बचने के लिए दोनों बहनें तेजी से भागने लगती हैं। इसी दौरान उनके सर पर रखी टोकरियां जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे उनकी सारी मिट्टी के बर्तन टूटकर चिकनाचूर हो जाती हैं। अपना नुकसान देख दोनों बहनें दुखी होकर रोने लगती हैं। तभी अचानक जादुई झाड़ू में उड़ती हुई एक जादूगरनी उनके पास आकर कहती है, क्या हुआ? लगता है तुम दोनों बहुत परेशान हो। देखो, मैं लोगों की मदद करने वाली एक अच्छी जादूगरनी हूँ। तुम दोनों की हालत पर मुझे बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे घर पर एक जादुई कुआं है, उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। तुम दोनों जितने चाहे उतने सिक्के निकाल सकती हो। चलो अब मेरी जादुई झाड़ू पर बैठ जाओ। ये सुनकर दोनों खुश होकर जादूगरनी के साथ उसकी जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं। उसके बाद जादूगरनी उन दोनों को हवा में उड़ाकर अपने घर ले जाती है। फिर दोनों बहनें सोने के सिक्के निकालने के लिए कुएं के अंदर उतर जाती हैं। लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर मौजूद सांप उन दोनों को काट लेता है। फिर देखते ही देखते चंपा का शरीर पूरी तरह सोने में बदल जाता है। दूसरी तरफ चमेली पूरी तरह चांदी की बन जाती है। ये क्या हो गया? हम दोनों सोने और चांदी में कैसे बदल गई? जादूगरनी आंटी, ये सब क्या है? मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। दरअसल मुझे दो गुलामों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये चाल चली थी। आज से तुम दोनों लोगों को मार कर उनका दिल निकाल कर मेरे पास लाओगी। अब तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोनों जलकर राख हो जाओगी।
इस तरह जादूगरनी उन दोनों को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेती है। पर अगले दिन से वो दोनों बहनें ना चाहते हुए भी लोगों को मार के उनका दिल निकाल कर जादूगरनी को देने लगती हैं। इस तरह देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो, पास वाली नदी के किनारे एक बड़ा महल है। उस महल में रहने वाले दोनों राजकुमारों का दिल मुझे चाहिए। चलो तुम दोनों जल्दी से जाओ और राजकुमारों को मार कर उनका दिल ले आओ। जादूगरनी का हुक्म पाते ही दोनों बहनें महल में पहुंच जाती हैं। उसके बाद वो दोनों चुपके से राजकुमारों के कमरे में दाखिल हो जाती हैं। दोनों राजकुमार गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दोनों बहनें जैसे ही राजकुमारों की ओर बढ़ती है कि तभी अचानक राजकुमारों के चारों तरफ एक बड़ा कवच प्रकट हो जाता है। तभी दोनों राजकुमारों की नींद खुल जाती है। लगता है तुम दोनों हमें मारने आई हो, लेकिन हमारा ये महल पूरी तरह जादुई है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर दोनों राजकुमार अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन तभी चंपा और चमेली उन दोनों राजकुमारों को जादूगरनी के बारे में बताकर अपनी मजबूरी का दुख रोने लगते हैं। अच्छा तो ये बात है, उस बुरी जादूगरनी ने तुम दोनों को अपने बस में कर रखा है। ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो राजकुमार अलमारी में रखी जादुई सुराई निकालकर उसका पानी दोनों बहनों के ऊपर डाल देता है। फिर देखते ही देखते उनके शरीर पर मौजूद सोने और चांदी पूरी तरह पिघल कर बह जाते हैं और दोनों बहनें फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। चलो भैया, अब उस बुरी जादूगरनी को सबक सिखाते हैं, वरना वो इसी तरह मासूम को परेशान करती रहेगी। फिर दोनों राजकुमार अपनी जादुई घोड़े पर सवार होकर जादूगरनी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों राजकुमारों को देख जादूगरनी हैरान रह जाती है। इससे पहले कि जादूगरनी कोई हरकत कर पाती, दोनों भाई अपनी थैली से बर्फ के जादुई गोले निकालकर जादूगरनी के ऊपर फेंकने लगते हैं। फिर देखते ही देखते जादूगरनी बर्फ की मूर्ति में बदल जाती है। अब ये दुष्ट जादूगरनी जिंदगी भर इसी तरह बर्फ की मूर्ति बनी रहेगी, अब इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद उन दोनों राजकुमार भाइयों की चंपा और चमेली से अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाई चंपा और चमेली से शादी कर लेते हैं। इस तरह दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अपने माता पिता के साथ आलीशान महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं।